كان شفته. बहुत बड़ा सांप है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त टाइम हो गया है 6:30 का और हम जा रहे हैं फार्म वाली साइड, ज़मीनों का चक्कर भी लगाते हैं और जानवर वगैरह भी देखते हैं। और यहाँ पर कुछ सामान वगैरह भी लेना था, रस्सी वगैरह जानवरों के लिए, गाय का जो है ना रस्सी हमारी टूट गई है, वो लेते हैं और फिर चलते हैं फिर ज़मीन वाली साइड। दोस्तों अभी आ गए हैं यहाँ पर, रस्सी वगैरह लेते हैं जानवरों के लिए। दोस्तों अभी यहाँ पर रस्सी लेते हैं, ये देखें ये दुकान मौली साहब की। आओ मौली साहब, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? तबीयत से ठीक है? खैर है? मौली साहब रस्सी दे गमिये वास्ते, चंगे वाली ना, गट्टू वाली ना, चंगे वाली वो जेरी क्या दिन रबड़ वाली नहीं होंगी सावी, वो भी दिखा लें। हाँ वो हाँ ये बड़ी दिखा लिया। इंदा तकरीबन दे में पांच छह जानवर हैं, दादे में 60 रुपए मीटर है। हाँ चौदह मीटर कितने लाल मीटर 60 रुपये मीटर है? 900 ले मौली साहब, ले ये मजबूत। मौली मर्जी आसानी करें दे, मर्जी तू अपने घर। यहाँ पर रस्सी वगैरह लेते हैं फिर चलते हैं रकबे वाली साइड पे, जानवरों की रस्सी टूट गई है। अख्तर भाई का फोन आया था, नौ ठीक है? ठीक है 15 मीटर वाली ठीक है बस कर। ये देखे दोस्तों ये सूखी रोटियां, ये सोच रहे हैं कि माल के लिए ले लें जानवरों के लिए। करा दे गई पंजाटा अच्छा मणक मणच करा भी अंदाजा 2600। हाँ देखते हैं दोस्तों अभी लेते हैं जानवरों के लिए, हो सकता है लें, ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है, देखते हैं फिर। हाँ रस्सा दिला रहे हैं। हाँ कितना है? क्या कह रहे हैं मौली साहब? क्या कह रहे हैं? तो चंगे कह रहे हैं, चंगे वो बहन ये बहन चंगे वाला 200 रुपये वो जल दिया तुम ये दिखा लो। दोस्तों यहाँ पर तिलारे भी लेने हैं हमने, क्योंकि कुछ जानवरों के तिलारे भी ख़त्म है अभी। तो मौली साहब अंधारा की दिखने स्पेशल चीज़ है येलो बार। मौली साहब किमें रहते पे पैसे 200 रुपये का स्पेशल है ना? एक
ਰਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਤਲਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਲਾ ਸਸਤੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਿਆ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇ ਪੰਜ ਤਿਲਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇ 900 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਨੇ 900 ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਬਣਿਆ 900 ਜਾ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਮੌਲਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਭੀ ਇਨਕੋ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲਤੇ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੋਸਤੋ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸੇ ਅਭੀ ਚਲਤੇ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸਾਦਾ ਜਾ दोस्तों हमने दूध भी ले लिए चलते हैं और चाय वगैरह भी बनाते हैं अपने लिए अख्तर भाई के ज़िम्मे लगाते हैं अख्तर भाई चाय ज़बरदस्त बनाते हैं चाय भी पियेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर ये देखें दोस्तों ये वही मकई था जिसका हमने ब्लॉग बनाया था और आज ये बिक गई है अभी भाई साहब यहाँ पर ये ट्रैक्टरों पे काट के ले जा रहे हैं सामने लियाकत भाई भी इशारा कर रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं हम चलते हैं लियाकत भाई को देखते हैं अभी ये भाई साहब यहाँ पर सारे ट्रालियों पे लोड कर रहे हैं देखें माशाल्लाह और ये 70,000 में एक बिघा इन्होंने बेचा है तो ये देख सकते हैं आप भाई लोड कर रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह अच्छा पैदावार हुआ इस बार ये देखें दोस्तों उस तरफ भाई साहब काट रहे हैं और इस तरफ लोड करने वाले भाई साहब भी हैं ये देखें दोस्तों एक टाला लोड होके चला भी जा रहा है अभी चलते हैं वापस फार्म की साइड देखते हैं वहाँ पर अख्तर भाई क्या कर रहे हैं सामान वगैरह उतारते हैं अख्तर भाई आपके क्या हाल हैं ठीक हो खैरियत है ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये देखें हमारा टॉमी अभी फिट है बिल्कुल दोस्तों इस तरफ अख्तर भाई अभी इस ज़मीन को पानी पिलाएंगे जो कि हमने यहाँ पर ज्वार काश्त की थी अभी ये थोड़ी सी निकल भी रही है अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये देखें दोस्तों ये अभी थोड़ी थोड़ी निकल रही है और ज़बरदस्त निकल रही है यहाँ पर ये हमने काश्त की थी अपने जानवरों के लिए बहाने वाले जानवरों के लिए और देखते हैं यहाँ पर अभी पानी भी आपको दिखाते हैं ये मकई ने यहाँ पर पानी पी लिया ये देखें दोस्तों ये हमारे फार्म वाले जानवरों के लिए यहाँ पर पानी का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं ये अभी नहर का पानी लगा हुआ है इस वक्त ये देखें बहुत ही तेज़ी से नहर का पानी चल रहा है यहाँ पर ये बहुत फ़ायदेमंद है बोर वाले पानी से नहर वाला पानी बहुत अच्छा होता है ज़मीनों के लिए और इसमें हमने आहल वगैरह भी डाली थी ये देखें दोस्तों पानी चल रहा है इस तरफ मकई है अभी चलते हैं अख्तर भाई को कहते हैं कि गाय वगैरह की रस्सी बांधे आ जाओ अख्तर भाई ये रस्सा जमा करते हैं हाँ ये रस्से सही हैं अख्तर भाई अभी जबरदस्त रस्से हैं अभी दोस्तों ये रस्से देते हैं जानवरों के गले में
आज अख्तर भाई किसका नहीं है, कौन से गाय का और कौन से बछड़े का नहीं है? बड़ा शरत शौकत भाई पानी पिला दो थोड़ा सा, पानी पिला रहा हूं। प्यास लगी हुई है भाई साहब, गर्मी भी जोरों से है, पसीने से। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आप सुनो। आज कैसे चक्कर लगाए यहाँ पे हमारे पास? यार आज चक्कर लगाया, ये अख्तर भाई को रस्सी जरूरत थी। अच्छा, जानवरों के लिए। तो हमने सोचा कि अख्तर भाई के पास चलते हैं, रस्सी वगैरह भी ले जाते हैं और फार्म का भी विजिट करते हैं। अच्छा, हाँ जी। और आप सुनो, बाहर ले जाए? हाँ, चार पाई बाहर ले चलते हैं, यहाँ पर गर्मी है भाई साहब। गर्मी है, अख्तर भाई ये तो लड़ रहा है भाई साहब। ठीक है? ठीक है जी। हमें पट्टा खसी अभी तो खसी नौ खिली थी ते। वो पता रहा है ये ना बोझ ही है दा। दोस्तों शौकत भाई बता रहे हैं कि इन्होंने दिन को यहाँ पर एक सांप मारा था जो कि बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। मैं आप उसकी तस्वीर लगाता हूँ व्लॉग में। दिखाओ सईद भाई तस्वीरें। हाँ, तस्वीर दिखा दे, मैं व्लॉग में भी लगाऊंगा। ये देखें दोस्तों, ये कितना बड़ा सांप है, ये वीडियो है इसकी। ये देखें दोस्तों, बहुत बड़ा सांप है भाई। ये किस टाइम मारा था आपने शौकत भाई? तकरीबन दिन को 12 बजे के करीब करीब। अच्छा, मैं आ रहा था तो रास्ते में ये मेंढक खा रहा था। अच्छा, मेरे पास लकड़ था तो दो तीन लगाए तो मर गया। अच्छा जी। अच्छा जी यार। दोस्तों देखिए यहाँ पर जंगल में ये चीजें भी होती हैं भाई साहब। यहाँ तस्वीरें बनाया मैंने। हाँ नहीं, सही किया आपने, मारा है, ये किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।